if a liquid, question number 18, be heterogeneous and of density rho z upon A at a depth z. Show that the pressure is pi plus rho g z square upon 2a, where pi equal to atmospheric pressure. फिलहाल के उसको एटीएम लिख रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी तक नहीं बनाया। हम लोग जितना भी क्वेश्चन डील किए हैं सारे केसेस में जो लिक्विड था वो होमोजीनियस था। होमोजीनियस मतलब आप अगर आपके पास कंटेनर है या अगर आपके पास कोई ट्यूब है, ठीक है, उसमें जितना भी लिक्विड है उसका डेंसिटी सेम हो। मतलब आप इस कंटेनर में यहाँ तक लिक्विड फिल किए हैं, इट्स लाइक आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, दैट इज होमोजीनियस, क्योंकि आप वहां से किसी भी ग्लास के किसी भी पार्ट से लिक्विड लेंगे ना तो वो वाटर ही होगा। अलग अलग जगह का वाटर का बात हम नहीं करें, लेकिन एक ही जगह से, लाइक अगर आप प्यूरिट है, प्यूरिट से पानी लिया तो पूरे ग्लास में प्यूरिट का ही पानी मिल गया तो उसका डेंसिटी सेम होगा, ठीक है। अगर आपके पास मिल्क है, ठीक है, तो डेंसिटी सेम होगा, लेकिन अगर आपके पास ग्लास में ऑयल प्लस वाटर है तो डेंसिटी अलग हो जाएगी, मतलब हेट्रोजीनियस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिक्विड भी हेट्रोजीनियस ऑफ डेंसिटी दिस, हेट्रोजीनियस है मतलब डेंसिटी अलग अलग होगा, और यहाँ पे डेंसिटी का एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं है, दिस इज रो जेड अपॉन ए, और ये दिखाई दे रहा है जेड डेप्थ, ठीक है, एट ए डेप्थ जेड, जेड डेप्थ पे ये जो डेंसिटी है दिस इज इक्वल टू रो जेड अपॉन ए। अगर हम ये डेप्थ चेंज करके जेड वन करते हैं तो मेरा जो लिक्विड है उसका डेंसिटी चेंज होके रो जेड वन अपॉन ए हो जाए। समझ में आ रहा है कैसे वेरी कर रहा है डेंसिटी। तो बोला क्या है कि यू हैव टू फाइंड द प्रेशर विच मस्ट इक्वल टू पाई प्लस रो जी जेड स्क्वायर अपॉन टू ए। इफ अ लिक्विड इज हेटेरोजेनियस एंड डेंसिटी दिस एट अ डेप्थ जेड, शो दैट द प्रेशर इज दिस, ठीक है, लिक्विड का प्रेशर डेंसिटी दिया हुआ है और डेप्थ जेड पे क्या होगा डेंसिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेटेरोजेनियस, आपको फाइंड करना है प्रेशर। हो जाएगा या बता दें? मैम बता दीजिए। सॉल्यूशन फिगर बनाते हैं। कुछ समझ में आएगा ना सबको? आपके पास हेटेरोजेनियस लिक्विड है, यू हैव टू फाइंड द प्रेशर। ये कंटेनर, ये लिक्विड है, this must be free surface, this is free surface. Mm-hmm.
ये पॉइंट लिख लेते हैं ए, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस इज एक सिलेंडर बनाना है तो कैसे समझना करते हैं वो यहाँ रहे कुछ है तभी समझना है तो ये ए पॉइंट का जो डेप्थ है वो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो होगा सेल यहां से यहां तक यहां से यहां तक भी डेप्थ होगा पी से क्यू O to P और एक यहाँ पे होगा P और Q इसका थिकनेस this is it This is x and this is delta x. Clear हो? क्या कहते हैं? ठीक है हम लोग एक पॉइंट A ले रहे हैं ना जो z डेप्थ पे है और AO ये ट्यूब काफी चौड़ा दिख रहा है बट है नहीं उतना चौड़ा ठीक है तो A को अगर आप चाहें कंफ्यूजिंग है अगर तो A को आप यहाँ रखिए ठीक है This is A. इस एक पॉइंट A कंसीडर किए हैं विद इन द लिक्विड और ये A जो है वो Z डेप्थ पे है ठीक है अब A को फ्री सरफेस से मैच करा रहे हैं फ्री सरफेस तक उसको लेके जा रहे हैं तो एक लाइन मिल रहा है हम लोग को AO AO को एक्सिस कंसीडर करते हुए हम लोग एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं ठीक है इस टाइप का प्रूफ किए हैं इमेजिन करते हुए ठीक है तो हम लोग को एक सिलेंडर मिल गया लिख लेते हैं चलिए क्या क्या है मेरे पास लेट जेड पी पॉइंट ए A O as an axis describe a cylinder. Let ये इतना ये थिकनेस बहुत कम है नेग्लिजिबल है ठीक है तो हम पी को यहाँ रख सकते हैं अगर हम पी यहाँ लिखते हैं या यहाँ लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्योंकि ये ट्यूब बहुत चौड़ा दिखाई दे रहा है ये काफी वाइड दिखाई दे रहा है इसलिए हम अंदर सेट कर रहे हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लियर हुआ क्या बोले ठीक है आप ए ओ पी क्यू सबको एक लाइन में रख सकते हैं इधर उधर अगर रखते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये काफी मतलब काफी थिन है ठीक है बहुत ज्यादा थिन तो अगर इधर उधर रखेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा इसलिए इसको सबको एक ही लाइन पर रखते हैं ठीक है ओ पी क्यू ए ऑल लाइज इन अ सिंगल लाइन तो लेट पी क्यू इक्वल टू डेल्टा एक्स
OP equal to X और Z के लिए तो बोलिए क्या बोल दिया AO equal to Z यहाँ तो समझ में आया क्या किया मैम डेल एक्स किस चीज का देखने से डेल एक्स पी क्यू का लिक्विड मतलब वहां पे कोई दूसरा लिक्विड है नहीं क्या कर रहे हैं देखिए मेरे पास लिक्विड है ठीक है उस लिक्विड में एक पॉइंट हम ए एज्यूम किए हैं मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है कोई ट्यूब या कोई सिलेंडर नहीं है क्वेश्चन में वी हैव ओनली लिक्विड एंड दैट लिक्विड इज हेटरोजीनियस तो हम लोग उस लिक्विड में एक पॉइंट ए चूज किए ए को ओ तक एज्यूम किया कि ठीक है एक्सिस बनाते हैं इस एक्सिस को लेते हुए हमने एक सिलेंडर बनाया ठीक है ये मेरा एक सिलेंडर बन गया अब सिलेंडर बन गया तो इस सिलेंडर में इसी एक्सिस में हम दो पॉइंट चूज किए फर्स्ट पॉइंट इज पी सेकेंड पॉइंट इज क्यू इस पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस है डेल्टा एक्स ओ और ए के बीच का डिस्टेंस है जेड ओ और पी के बीच के डिस्टेंस को हम एक्स एज्यूम किए कितना क्यों एज्यूम कर रहे हैं ये एक्स क्यों लिए डेल्टा एक्स क्यों लिए क्योंकि दिस लिक्विड इज हेटरोजीनियस एंड डेंसिटी इज वेरीज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ जितना नीचे जाएंगे लिक्विड उतना ही ज्यादा डेंसिटी का मिलेगा आ रहा है समझ में क्या बोल रहे यस मैम देखिए रो जेड अपॉन ए जेड जैसे जैसे बढ़ेगा डेंसिटी उतना ही बढ़ेगा जितना नीचे जाएंगे जितना डेप्थ बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा इंक्रीज करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है तो इसलिए हम लोग चार पॉइंट लिए तो यहाँ पे सिलेंडर दिखाई दे रहा है हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ठीक है एक लिक्विड में पॉइंट चूज किए उस पॉइंट को लेते हुए फ्री सर्फेस तक गए सिलेंडर एज्यूम किए अब सिलेंडर में दो पॉइंट और एज्यूम कर रहे हैं वो पॉइंट है पी और क्यू ठीक है और पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एक्स है अब फिगर से पी क्यू डेल्टा एक्स दिखाई दे रहा है ओ पी एक्स दिखाई दे रहा है और ए ओ जेड दिखाई दे रहा है ओ क्यू कितना होगा ओ क्यू मैम एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स प्लस ठीक है यहाँ तक एक्स प्लस डेल्टा एक्स अब क्या करके देखिए नाउ वेट ऑफ द लिक्विड inside a small element of this cylinder. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे आप लोग 12th में इस टाइप का ही काम करते हैं अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ठीक है या रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट चूज करते हैं अभी हम लोग क्या किया लिक्विड में एक सिलेंडर एज्यूम किया और सिलेंडर के एक स्मॉल एलिमेंट चूज कर रहे हैं दैट स्मॉल एलिमेंट इज पी क्यू अब इस एलिमेंट का हम लोग वेट फाइंड करेंगे इस पूरे सिलेंडर का वेट अगर फाइंड करना तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जो कॉन्सेप्ट रहा है शुरू से ठीक है पहले एलिमेंट्री एरिया फाइंड करते हैं अब पूरा एरिया फाइंड करना हो तो क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं डेल्टा एक्स जब भी आता है वही चीज करेंगे नाउ वेट ऑफ द लिक्विड मास इनसाइड अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस सिलेंडर विद PQ as axis. ये मेरे पास पूरा सिलेंडर है ये ठीक है ये पूरा ठीक है जिसका एक्सिस है AO. अब इस सिलेंडर के अंदर हम एक छोटा सा एलिमेंट चूज किए हैं जिसका एक्सिस है PQ. मतलब सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर है ठीक है अब इस PQ के अंदर जो भी लिक्विड है उस लिक्विड है ठीक है लिक्विड मास उसका हमको वेट फाइंड करना है लिक्विड इस सिलेंडर के अंदर भी है अब हम बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है इस सिलेंडर के अंदर जो एक एलिमेंट है जिसको हम लोग पी क्यू एज एन एक्सिस बोल रहे हैं दिस इज ऑल्सो ए सिलेंडर तो इसका मास कितना होगा मैंने सिलेंडर ही क्यों चूज किया सिलेंडर ही चूज क्यों किया गुड क्वेश्चन और क्या चूज कर सकते थे मतलब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में नहीं आया कभी
यूज कर सकते हो बताइए। मैम लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं दिया है ना कि देखिए सिलेंडर हम लोग प्लेन सरफेस का बात कर रहे हैं, प्लेन सरफेस ठीक है। अगर हम दो पॉइंट अगर ले रहे हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है, अब इमेजिन करिए कि अगर आपके पास कोई भी सामने में कोई भी पॉट है जिसमें वाटर रखा हो, ठीक है, अगर आप उसमें एक लाइन ही आप एक पेन ही डालो, ठीक है, या पेन का रिफिल डालो, तो किस टाइप का एलिमेंट यहाँ बनाना आपके लिए आसान है? सर्कल बनाना आसान है और सिलेंडर पर जैसे सिलेंडर लिए हो गया, ठीक है, मतलब हम लोग एक्सिस चूज कर ले रहे हैं, दो पॉइंट ले रहे हैं, एक्सिस ले रहे हैं और सिलेंडर बना ले रहे हैं, ठीक है। अब सिलेंडर अगर बना लिया जा रहा है तो सिलेंडर के लिए बहुत सारा चीज फाइंड करना आसान है मेरे लिए, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया अज्यूम करें तो मेरे लिए वॉल्यूम फाइंड करना आसान है। अगर मेरे पास कोन है, ठीक है, अगर हम अज्यूम करते हैं कि नहीं चलो कोन में भी तो एक्सिस होता है, कौन बनाते हैं, कौन के डिफिकल्टी नहीं होगा सोच के बताइए, तो देखिए यहाँ पे दो तीन फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कौन बनाते हैं कौन में डिफिकल्टी नहीं है, और क्या बना सकते हैं बताइए, हाइपरबोलॉइड, इलिप्सॉइड, थ्री डी फिगर अगर बनाना है थ्री डायमेंशन, ठीक है, तो क्या बनाना आसान रहेगा, स्फेयर बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे होमोज अगर हम देखें यहाँ पे ये एक्सिस अगर हम लिए और थ्रस्ट का बात कर रहे हैं इस सिलेंडर का, ठीक है, ये एक तरह से होमोजीनियस शेप है सिलेंडर का, लेकिन कोन का शेप होमोजीनियस नहीं होता है। देखिए कोन यहाँ पे ये ऊपर में इस टाइप से है, मतलब साथ है, इसके बाद ये स्फेयर के केस में, स्फेयर के केस में ठीक है ये होमोजीनियस है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे प्रेशर ले तो यहाँ पे अगर ये वाला एलिमेंट्री एरिया चूज कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए डी एस ले रहे हैं, ये एलिमेंट्री एरिया डी एस वन, ये डी एस वन यहाँ लिया तो ये डी एस वन नहीं होगा, होगा क्या, नहीं ये बड़ा डेफिनेटली डी एस टू होगा, फिर यहाँ पे हो सकता है ये डी एस थ्री हो, लेकिन सिलेंडर के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर हम ये वाला पोर्शन का जो ये थिकनेस जो भी लिया अगर इसका एरिया फाइंड कर लिया तो वो पोर्शन आप कहीं पर भी फाइंड करिए उसी थिकनेस का एरिया, जैसे यहाँ से यहाँ, जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि ठीक है पी क्यू का थिकनेस मेरा डेल्टा एक्स है, ठीक है, तो हम ये पी क्यू का क्या करेंगे, इस सिलेंडर का हम मास फाइंड वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, वेट फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर जितना भी लिक्विड, ठीक है, इसी थिकनेस का अगर इस पूरे सिलेंडर में कहीं भी मतलब यहाँ पे मान के चले, ठीक है, सेम थिकनेस अगर डेल्टा एक्स हम यहाँ चूज किए, इसके अंदर जो लिक्विड है ना उसका वेट उतना ही होगा जितना इस पी क्यू वाले पोर्शन पे था, मान लीजिए पी वन क्यू वन हम आप दे रहे हैं, तो पी क्यू में जितना लिक्विड है अभी सिलेंडर है, ये भी एक छोटा सा सिलेंडर है, इसके अंदर जितना लिक्विड है उसका जितना मास हो गया जितना वेट होगा उसका इस पी वन क्यू वन एक्सिस के सिलेंडर में भी वही होगा, लेकिन ये चीज कोन या स्फेयर के साथ नहीं है। कोन अगर हम लेते हैं डेल्टा एक्स थिकनेस का ये कोन बना, ठीक है, लेकिन इसके बाद ये कोन वाला शेप है ही नहीं है क्या, नहीं, तो यहाँ पे कितना लिक्विड है अगर हम सेम थिकनेस लिए यहाँ पे लिक्विड का जो वेट होगा यहाँ पे नहीं होगा, तो अगर हमको इंटीग्रेशन करना ही है अगर हमने डेल्टा एक्स लिए तो फिर यहाँ पे डिफिकल्टी है क्योंकि सबका अलग अलग हो रहा है, किसी का डब्ल्यू हो रहा है, किसी का डब्ल्यू वन वेट हो रहा है, किसी का डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री, तो हम लोग कैसे जनरलाइज करते हैं फिर उसको, नहीं हो पाएगा। स्फीयर के केस में यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ, लेकिन सिलेंडर के केस में आप कहीं से भी डेल्टा एक्स अगर आप दिए हैं डेल्टा एक्स थिकनेस का कोई भी एलिमेंट उसका उसमें जो लिक्विड है आप उसका वॉल्यूम जहां से भी फाइंड करें सेम ही आएगा, दिस इज अ होमोजीनियस स्ट्रक्चर, ये लेना आसान रहता है हमेशा। जब हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स डील करेंगे ना तो हम लोग पैलो पाइपेड लेंगे, पैलो पाइपेड कैसा शेप का होता है, क्यूब जिसको बोलते हैं या क्यूबॉइड बोलेंगे जिसको, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है अगर मेरे पास क्यूब है तो आप अगेन डेल्टा एक्स थिकनेस का कहीं से भी कोई प्लेन बना के आप उसको कट कर दीजिए क्यूबॉइड को, ठीक है, डेल्टा एक्स थिकनेस का एलिमेंट इससे निकालिए, सब जगह उसका
उसमें जो लिक्विड कंटेंट रहेगा उस डेल्टा एक्स थिकनेस में सेम रहेगा। तो ये आसानी होता है इस टाइप का फिगर कंसिडर करने में जब हम सिलेंडर चूज करते हैं, तो ये आसान होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस मैम। क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग? फाइंड कर रहे थे वेट ऑफ, वी आर फाइंडिंग वेट ऑफ द लिक्विड मास इनसाइड द स्मॉल सिलेंडर विद एक्सिस पी क्यू। क्या हुआ बताइए तो? सबको मैसेज नहीं मिला था क्या कि क्लास 12:37? जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे से मतलब नेक्स्ट वीक से आज का क्लास हम 12:30 लेंगे। ओके मैम। 12:30 लेने का रीजन ये है कि एक तो टाइम कम है और ऐसे भी कंटिन्यूएशन में मेरा क्लास हो जाएगा, एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा तो मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, वो एडिशनल 30 मिनट्स मिल रहा है इसलिए। तो ये हो गया हम लोग को फाइंड करना है नेक्स्ट वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द स्मॉल सिलेंडर विद पी क्यू एस एक्सिस। चलिए बताइए तो, सबके पास ऐसा बुक है? ये क्या समझ में आ रहा है, देखिए बताइए जल्दी या फिर बिना देखे बताइए। और एक चीज हम इसमें मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है, सिलेंडर डिस्क्राइब किए तो यू हैव टू मेंशन कि सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर इज अल्फा, ये नहीं पता रहेगा तो आप वेट नहीं फाइंड कर सकते, इज अल्फा। ठीक है, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अल्फा। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे सिलेंडर का जो सिलेंडर जब हम बनाते हैं तो उसका बाउंड्री जो है ये यहाँ पे बाउंडेड बाय सर्कल है ना, सर्कुलर एरिया, तो that is known as cross sectional area and that cross sectional area is alpha। तय तो वेट कितना होगा? वेट कैसे फाइंड करते हैं? वेट w वेट बोलते हैं, ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू mg मास के, मेरे पास मास नहीं लिख सकता लेकिन मेरे पास डेंसिटी है and we know that rho equal to m by v, so m के case m के place में हम क्या put कर सकते हैं? rho v, so weight of the liquid is rho v g, clear हुआ? ये clear हुआ कैसे किए हम लोग? yes ma'am। ठीक है, अब देखिए हम लोग को ये find करना है, ये निकालना होगा, ठीक है, तो लोग फिगर से देखते हैं कौन सा पोर्शन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इस पी क्यू पे, ठीक है, जिसको हम शेड किया था। तो यहाँ पे इस पी क्यू एक्सिस का जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कितना होगा बताइए? पी क्यू एक्सिस जो है हम बाहर निकाल लेते हैं सिलेंडर को, ज्यादा समझ में आएगा, ये है मेरा सिलेंडर, ठीक है मैम। अल्फा डी एक्स, दिस इज डेल्टा एक्स, एक मिनट हाँ, ये डेल्टा एक्स हो गया, ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया अल्फा, ठीक है, प्रेरणा बोल रही थी ना, क्या था प्रेरणा बोलिए तो? मैम अल्फा डेल एक्स, यस करेक्ट, अल्फा डेल एक्स इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ये पी क्यू वी निकाले हमने। असल में सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे मेरे पास अल्फा है और एच के प्लेस से मेरे पास पी क्यू है और पी क्यू इक्वल टू डेल एक्स, यहाँ पे हो गया अल्फा डेल एक्स। लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ वी कैलकुलेट किए, जी लिखेंगे, हम लोग को लिखना है रो, बिकॉज दिस लिक्विड इज हेटरोजीनियस,
हम लोग को बताना होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लूइड, क्या होगा बताइए तो? मैम रो एक्स प्लस डेल एक्स बाई ए, एक्स प्लस डेल एक्स नहीं लिखेंगे फिर, ठीक है? रीजन ये है कि हम लोग डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल थिकनेस कंसिडर किए, बहुत स्मॉल, ठीक है? इट्स लाइक एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हम लोग डेल्टा एक्स को निगलेक्ट कर सकते हैं. डेल्टा एक्स लेने का रीजन ये है कि हम लोग एलिमेंट्री एरिया लिए हैं, ठीक है? एलिमेंट्री पोर्शन दिए, हम लोग इसको इंटीग्रेट करके सब कुछ सॉल्व करेंगे. अभी हम लोग क्या करें इस पी एक्स पोर्शन पे, अल्टीमेटली करने वाले क्या है, यहाँ पे हम लोग वेट फाइंड करेंगे, फिर हम लोग प्रेशर फाइंड करेंगे इसी स्मॉल पोर्शन पे, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को टोटल प्रेशर मिलेगा. तो फिर यहाँ पे x प्लस डेल्टा x लिखने का कोई रीजन नहीं बनता है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेल्टा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x होगा, ठीक है? तो जो डेंसिटी होगा ये डेप्थ पे वैरी कर रहा है, हम लोग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो था रो z अपॉन a. यहाँ पे पी क्यू एस एक्सिस है, तो P पे जो डेप्थ है वो है x, ये हो जाएगा रो x अपॉन a. ये हो गया आपका. तो वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड अ स्मॉल सिलेंडर विद पी क्यू एस एस एज एक्सिस इक्वल टू अल्फा डेल्टा x g रो x अपॉन a. यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कैसे निकाले, क्या किया, कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है? Now, the weight of the cylinder. What is the weight of the liquid? Weight of the liquid within the cylinder. वेट निकालेंगे किसका, लिक्विड का, सिलेंडर के अंदर कैसे होगा, इंटीग्रेट करते हैं हम लोग कहां से कहां तक. मेरे पास जो एक्सप्रेशन था वो था अल्फा रो जी ए एक्स एंड डेल्टा एक्स के प्लेस पे मुझे हम करते हैं डीएक्स, डीएक्स स्टेज पे जाते हैं हम लोग. देखिए ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन चूज कर रहे हैं. ये क्या था, वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड अ स्मॉल सिलेंडर विद पी क्यू एज एक्सिस. अभी मेरे पास जो बड़ा सिलेंडर है उसमें कितना वेट होगा विद इन दिस सिलेंडर, ठीक है? अब हम लोगों को अगर इस सिलेंडर के अंदर वेट फाइंड करना है लिक्विड का, तो इंटीग्रेशन का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, सोच के बताइए. एक्स का वेरिएशन कहां से कहां तक है, फिगर में देखिए और बताइए. ये जो लोग यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया का वेट फाइंड किया, हम लोग इसी को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा क्या, ये बड़ा वाला जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है उसके अंदर कितना लिक्विड था, उसका वेट क्या था. लेकिन वी नीड टू फाइंड द लिमिट ऑफ एक्स, क्योंकि वेरिएशन कहाँ पे है, एक्स में. तो एक्स का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए. जब हम लोग फ्री सरफेस पे रहेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो. यस, और जब और सबसे मैक्सिमम पॉइंट या सबसे हाईएस्ट डेप्थ क्या होगा, जेड. तो वेरिएशन हो जाएगा फ्रॉम जीरो टू जेड, ठीक है? तो दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो टू जेड, बस इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा अल्फा रो जी अपॉन ए एंड एक्स डी एक्स जीरो टू जेड. तो दिस इज अल्फा रो जी अपॉन ए जेड स्क्वायर बाय टू. ये प्रूफ करना था, ठीक है? यहाँ पे हम लोग अभी तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर नहीं किए हैं. अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है? क्लियर हो गया था? यस मैम. ठीक है, तो हम आते हैं उस चीज पे जहाँ पे हमको आज फोकस करना था. नेक्स्ट चैप्टर इज थ्रस्ट ऑन प्लेन सरफेस. अब बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपस में, जो नहीं होगा बताएंगे, ठीक है?
प्लेन सरफेस पे थ्रस्ट फाइंड करना है. ठीक है, इमेजिन करिए कि एक कंटेनर इज लाइक आपके घर पे कोई टब है और आप लोग कोई प्लेन एरिया उसमें इमर्ज करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपके पास आस पास या आप प्लेन एरिया से क्या समझते हैं या प्लेन सर्फेस से आपको क्या समझ में आता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेन सर्फेस? एनी आंसर? प्लेन सर्फेस आपके अगल बगल आप जहाँ बैठे हैं, प्लेन सर्फेस से कोई एग्जांपल है? नहीं. कर्व सर्फेस का ठीक है, दो टाइप यहाँ पे हम लिखते हैं, प्लेन सर्फेस और कर्व सर्फेस. अगर आपको ये दोनों का एग्जांपल भी समझ में आ रहा है तो बताइए. प्लेन सर्फेस एंड देन कर्व सर्फेस. प्लेन सर्फेस टेबल टॉप. टेबल टॉप. और कुछ? फ्लोर. देखिए ध्यान से, कर्व सरफेस क्या होगा? हम जिस टेबल पे बैठे वहां पे एक बॉटल है, वो कर्व सरफेस का एग्जांपल है. ठीक है, मेरे पास एक मेडिसिन बॉटल है, रखा मेरे टेबल पर, कर्व सरफेस का एग्जांपल है. ठीक है, एक स्क्रीन है मेरे टेबल पे. ठीक है, स्क्रीन है, प्लेन सरफेस. ठीक है, बुक है मेरे पास बहुत सारा, प्लेन सरफेस. मेरे पास पेन है, कर्व सरफेस. समझ में आया क्या बोल रहे हैं? यस मैम. प्लेन सरफेस टू डायमेंशन, ऐसा फ्लोर बोले. ठीक है, थिकनेस अगर नहीं ले रहे, सिर्फ फ्लोर देख रहे हैं, तो मेरे पास एल और बी है बस. ठीक है, एरिया फाइंड. तो वो हो गया प्लेन सरफेस. कर्व सरफेस में सिलेंडर, कोन, आपके पास ग्लास अगर रखा हुआ है टेबल पे, ठीक है, या प्लेट रखा हुआ, सब कर्व सरफेस के एग्जांपल है. तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड थ्रस्ट ऑन अ प्लेन सरफेस. मतलब मेरे पास अगर लिक्विड है, ये कंटेनर है, उसमें कोई रेक्टेंगल इमर्ज कर दिए, कोई पेपर इमर्ज कर दिए, ठीक है, whether that paper is square or rectangular. ठीक है, तो अगर कोई प्लेन सरफेस इमर्स किया जा रहा है लिक्विड पे, तो उसमें थ्रस्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये है, ये हुआ चैप्टर का कंसर्न. तो फिगर से दिखाई दे रहा है, मेरे पास एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें लिक्विड है और जो ग्रीन बाउंड्री दिया हुआ है, दिस इज अ प्लेन सरफेस. ठीक है, तो जैसे लिक्विड के अंदर कोई भी चीज डाला जाता है. अच्छा, कोई बड़ा सा, आप जो सबके घर तो टैंक है, तो वाटर टैंक कभी भी ग्लास अंदर डाले तो आपको फील होगा, ग्लास बहुत हमारी लाइट हो गया. एक मग पानी अगर आप बाल्टी के अंदर लेते हैं और बहुत नीचे तक लेके जाते हैं, आपको लगता है इसका वेट ही नहीं, लेकिन जैसे आप उसको पानी से बाहर लेके आते हैं, आपको लगता है अच्छा इसका वेट है, इट्स लाइक 1 kg और 1.5 kg, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बॉल. फील हुआ ये सब चीज बचपन में? या कभी नानी का जाते, और कोई अगर नदी, किसी को तालाब का मतलब एक्सपीरियंस रहा होगा, नाउडेज स्विमिंग पूल का एक्सपीरियंस रहा होगा, तो ये सब चीज़ फील हुआ है कि पानी के अंदर कोई चीज़ है आपके पास, आप बड़ा सा भी कंटेनर क्यों ना ले लें. मतलब अगर आप 5 लीटर का भी बॉटल ले लेंगे पानी के अंदर, तो आपको वो 5 लीटर का वेट फील ही नहीं होगा. जैसे आप पानी के लिए पानी से बाहर निकालेंगे ना उसको, आपको फील होगा कि इसका वेट ज्यादा. ऐसा हुआ है किसी के साथ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो किसी चीज का ओरिजिनल वेट अगर आपको एटमॉस्फेयर में फील हो रहा है, लेकिन लिक्विड के अंदर फील नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली लिक्विड के अंदर में फोर्स लग रहा है. तो कैसे? अच्छा, और एक चीज, अगर लिक्विड के अंदर फोर्स लग रहा है, आपको लाइट क्यों फील हो रहा है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, सब कोई वेक्टर पढ़ा है प्लस टू में ना, वेक्टर पढ़े सब कोई, ये मेरा एक प्लेन सरफेस है,
या समझिए कि ये नेवला कॉलेज का गेट है, ठीक है, मेन गेट आप नेवला कॉलेज का, ठीक है, गार्ड खड़ा रहता है हमेशा। तो ये वाला पोर्शन नेवला कॉलेज के अंदर का है, आप यहाँ पे रोड पे खड़े हैं। अगर यहाँ पे चार लोग खड़े हो जाए, चार और सबके साइड से गेट खोलने के लिए फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, एक ही डायरेक्शन, ठीक है, और गेट के अपोजिट डायरेक्शन में कोई है ही नहीं, नो गार्ड, तब आराम से गेट खोल पाएंगे। गेट yes, काफी बड़ा हो गया, ठीक है, हैवी भी हो गया। अगर हम आपको बोले कि आपको बड़ा गेट खोलना है, छोटा गेट नहीं खोलना है, ठीक है, अगर हम रूपा को बोले रूपा आप अकेले कोशिश करें, हो सकता है रूपा से वो गेट ना खुले, हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम बोले ठीक है रूपा तीन को चूज करिए, आप लोग चार मिलकर गेट खोलिए। तो अगर रूपा अकेले गेट खोल लेती है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ज्यादा फोर्स भी देना होगा, ठीक है, टायर्ड होगी थोड़ा, लेकिन अगर उसको हेल्प मिलता है नेक्स्ट थ्री का, तो उसको फील होगा कि उसका फोर्स थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गेट तो खुल गया, दोनों ही केस में रूपा अकेले भी वो गेट खोल ली, लेकिन रूपा विद द हेल्प ऑफ अदर थ्री गर्ल्स थी वो गेट खोल लेती, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जब रूपा अकेले गेट खोल दिए तो उसको ज्यादा फोर्स देना पड़ रहा है, जब तीन लोग ऑनेस्टली हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई जाकर खड़ा हो गया, ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है, अगर साथ में उसके तीन गर्ल्स ऑनेस्टली उसको हेल्प कर रहे हैं तो उसका फोर्स उसको कम कंट्रीब्यूट करना होगा, फोर्स मतलब वो कम थके। क्वेश्चन समझ में आया, एक्सप्लेनेशन समझ में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं हम लोग फोर्स। अगर रूपा को इनिशियली एफ फोर्स लगा, बाद में ये एफ को हम चार पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, F1, F2, F3, F4, डेफिनेटली जिस फोर्स के साथ गेट खुला है तो F इक्वल टू F1 + F2 + F3 + F4। ऐसा हो सकता है कि ये फोर्स, मतलब ये फोर्स ग्रेटर देन F, लेकिन F से छोटा तो नहीं है, ठीक है, F जो फोर्स है उसी F फोर्स देने से ही वो गेट खुलेगा, मतलब मिनिमम फोर्स है वो दैट रिक्वायर्ड टू ओपन द गेट। अब नेक्स्ट मेरा सिनेरियो है, यहाँ पे दो गार्ड, अभी तो गार्ड नहीं था, लेकिन सिस्टर आप लोग करतूत दे के दो गार्ड अपॉइंट कर दी। अब आप लोग अब रूपा को बोले रूपा आप गेट खोल दें, यहाँ पे दो गार्ड रूपा यहाँ खेले गेट खोल रहा है, ये रूपा बोल रूपा आपको क्या लगता है गेट खोल पाएंगे, रूपा है नहीं आज पास में, अच्छा ठीक है, प्रेरणा को खड़ा करते, प्रेरणा आपको क्या लगता है कॉलेज का जो दो गार्ड है, याद हो गई आपको, सब इमेजिन कर ही होंगे गार्ड को, तो अगर में दो गार्ड है और प्रेरणा यहाँ सामने खड़ी है अपोजिट डायरेक्शन में, तो गेट खुलेगा नहीं, क्या क्या होगा, मेरे पास तो गार्ड भी है तो खोल नहीं, अच्छा ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं अभी हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं खुलेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दो लोग हैं, दोनों काफी हस्ट पुष्ट है, मुश्किल होगा थोड़ा खोलना। अब यहाँ से हम बोलते ठीक है आप लोग पांच छह लोग मिल के गेट खोलिए, तो अब अपोजिट डायरेक्शन में जो दो गार्ड है उसके लिए थोड़ा रेजिस्ट करना डिफिकल्ट होगा, मतलब सेकेंड सिनेरियो में आप लोग के पास ज्यादा चांसेस है कि आप लोग गेट खोलिए, ठीक है, मतलब अगर अभी आप लोग गेट खोल रहे हैं तो अगेन वो लोग का जो रेजिस्टेंस था, वो लोग जितना रजिस्टर कर पाया उससे ज्यादा आप लोग के पास फोर्स है, इसलिए आपको वो गेट खोल पाए, ठीक है। अब दोनों गार्ड को बोले कि ठीक है आपको गेट खोलने में हेल्प करिए, तो गेट तो बहुत आसानी से खुलेगा, तब ये एग्जांपल हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है तो आपको ना किसी चीज का लोड कम फील होगा, इसलिए अगर इनिशियली प्रेरणा को अकेले गेट खोलने बोले तो उसको लोड थोड़ा ज्यादा फील होगा, लेकिन बाद में दो चार लोग को अगर हम भेजते हैं हेल्प के लिए तो गेट खुलेगा जरूर,
प्रेरणा अकेले भी गेट खोल रही है, बाद में भी खोल दे रही है हेल्प से, लेकिन दोनों का डिफरेंस ये हो रहा है कि उसको लोड कम फील हो रहा है। तो वाटर के अंदर अगर अभी तक आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, अगर आपके पास एटलीस्ट 10 to 15 liter का बकेट है, आप एक मग लीजिए, मग में पानी, ठीक है, मग फिर 1 liter का, ठीक है, बोलना चाहिए, आप उसको उठा के देखिए कि आपको कितना लोड फील हो रहा है, ठीक है, एटमोसफेयर, और आप उसको डालिए बकेट में, और आप बकेट के अंदर ही उसको इधर उधर हिला के देखिए, आपको एकदम लाइट फील होगा। जो मग का पानी, ठीक है, मग में आप जो फिल करके रखे थे 1 liter पानी, जो आपको एटमोसफेयर में थोड़ा लोड फील करा रहा था 1 kg जैसा, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 kg 1 liter, ठीक है, बट इक्वल नहीं रही, फिर भी 1 liter का वेट आपको फील तो होता है ना। आपको हम बोलेंगे कि आप 24 घंटा 1 liter हाथ में खड़े रहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं, ठीक है, थोड़ी देर पॉसिबल हो सकता है। तो आप उसको जब आपको एटमोसफेयर में वो वेट फील हो रहा था, लिक्विड में क्यों नहीं हुआ? यानी लिक्विड में जैसे आप उसको डाले, ठीक है, मग खाली था, मग भरा हुआ भी है, ठीक है, तो मग एक सरफेस है ना, वो कर्व सरफेस है, आप उसके अंदर लिक्विड है, आप उसको लिक्विड के अंदर डाल दें, यानी आपका लोड कोई डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा है लिक्विड के अंदर, इसीलिए आपको लोड कम फील। बात समझ में आ? जो लोड आपको बाहर में काफी फील हो रहा था थोड़ा ज्यादा, वो लिक्विड के अंदर कम क्यों फील हुआ? लिक्विड के अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रेशर, थ्रस्ट या फोर्स होगा, जिस जो आप ही के डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब आपके फेवर में आ रहा है, आपको आपके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स दिए हैं, जिस डायरेक्शन में आपका प्रेशर है, उसी डायरेक्शन में लिक्विड का फोर्स है, तो सेम डायरेक्शन में वो ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पे सारा फोर्स ऐड किया, सारा फोर्स ऐड किया, ठीक है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा फोर्स ऐड होगा? मान लीजिए ऐसा होगा कि प्रेरणा को बोले कि ठीक है प्रेरणा, हम 4 लोग को भेज रहे हैं जो आप गेट खोलने में आपके हेल्प करेंगे, लेकिन जो लास्ट वाली को भेजे ना, उसका प्रेरणा से नहीं बनती है। तो इसको लगेगा कि ठीक है हमको इधर नहीं फोर्स देना, या तो ये लोड या तो ये पुश करेगी ही नहीं गेट, या फिर हो सकता है ये इधर चले जाए अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो यहाँ पे ये माइनस साइन हो जाएगा। अरे समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो लिक्विड के अंदर अगर आपके पास आप कोई भी चीज डालें, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में अगर हैवी था, लिक्विड के अंदर अगर आपको वो लाइट फील हो रहा है, इसका मतलब लिक्विड के अंदर आपके फेवर में फोर्स लग रहा है, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उस डायरेक्शन, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा सा कंटेनर था, हम एक प्लेन सरफेस पे डाले, ठीक है, तो प्रेशर ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ इट अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। अब और एक चीज है, प्रेशर जो लगे, क्लास है पहुंचे नहीं आप, पहुंचे, ठीक है, आपको पानी, ठीक है, तो जो मेरे पास प्लेन एरिया गया है अंदर इमर्स के, जिसको हम कंटेनर में, यहाँ पे जितना भी प्रेशर लगेगा, प्रेशर ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ इट, एवरी एलिमेंट ऑफ इट का मतलब है आप इमेजिन करिए कि हम इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्ट में, तो इसका जो भी एक एक एलिमेंट होगा, एक एक एलिमेंट, इसमें जो भी प्रेशर लगेगा, ठीक है, ये हमेशा सरफेस के नॉर्मल ही लगता है। हम लोग प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये फोर्स हमेशा नॉर्मल होता है, ये हमेशा याद रखिए, जब भी प्रेशर डिफाइन करेंगे तो जो फोर्स यूज करें दैट फोर्स मस्ट बी नॉर्मल, कोई भी फोर्स नहीं ले सकता, ठीक है, ऑल फोर्सेस आर नॉट नॉर्मल, और जो डायरेक्शन होगा फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, तो प्रेशर ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ इट अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस की नॉर्मल होगा, और जो सारा प्रेशर होगा, होल प्रेशर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सरफेस, ठीक है। अब मान लीजिए इस एलिमेंट की वजह से एक फोर्स लगा F1, ठीक है, दूसरी की वजह से F2, F3, F4, F5, जितना भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, जितना, ये सारा क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है,
pressure on every element of it along the normal to the surface. But to agar plane surface hai aur chote chote element mein divide kar diye to bahut sara thrust ho ja raha hai, theek hai? So what is resultant thrust? So jitna bhi thrust hoga is alag alag element mein hum log sabko add kar denge. To aisa bola ja sakta hai, ye maan lijiye mere paas hai प्लेन सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारा फोर्स है मेरे पास. तो आप लोग पढ़े रिजल्टिंग वेक्टर, रिजल्टिंग वेक्टर किसी को याद है? आर वेक्टर इक्वल टू, किसी को फॉर्मूला याद है? यस मैम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए प्लस टू ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर, ये रिजल्टेंट वैक्टर होता है. अब ये फैक्टर है तो मान लीजिए मेरे पास दो फोर्स है, एक हो गया F1, दूसरा हो गया F2. दो फोर्स अगर लग रहा है, इट्स लाइक मेरे पास यहाँ फुटबॉल है, ठीक है, तो एक प्लेयर यहां से किक किया, दूसरा प्लेयर यहां से किक किया, फुटबॉल किस डायरेक्शन में जाएगा वो कैसे पता चलेगा? हम लोग इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे. तो जो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा जो इस फॉर्मूला से निकलता है वो ये बताएगा कि जो रिजल्टेंट हो रहा है, मतलब अगर फुटबॉल ये डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उस मैग्नीट्यूड से जाएगा जो हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे. लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है tan थीटा, दैट इज a प्लस b sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही होता है, यही याद है, ठीक है, ये इस फॉर्मूला से तुम लोग को ये पता चलेगा कि उसका डायरेक्शन किधर है. समझ में आया? मतलब रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला के थ्रू मेरे पास अगर n नंबर्स ऑफ फोर्स है या n नंबर्स ऑफ वेक्टर्स है तो उस n नंबर ऑफ वेक्टर्स को हम एक सिंगल रिजल्टेंट में रिड्यूस कर सकते हैं. अगर आप लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे उसमें एक है, या मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ लिए होंगे, n नंबर ऑफ पैरेलल फोर्सेस कैन बी रिड्यूस टू अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स. मतलब ये मेरे सारा फोर्स लेकिन पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, देखिए इतना सारा फोर्स है अगर मेरे पास F1, F2, F3, F4, F5, F6 इतना भी, ठीक है, ये अगर सारा फोर्स पैरेलल है ना तो इस पूरे सिस्टम को ही हम एक सिंगल फोर्स से दिखा सकते हैं, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स. तो सिमिलरली अगर हम लोग रिजल्टेंट थ्रस्ट का बात करें तो अगर मेरे पास कोई एक प्लेन सरफेस है, अलग अलग उसके एलिमेंट पे अगर थ्रस्ट लग रहा है तो वो सारे थ्रस्ट का कॉमन, सारे थ्रस्ट को अगर आप सम कर दें तो दैट कॉमन या दैट रिजल्टेंट थ्रस्ट इज सम ऑफ ऑल द थ्रस्ट. समझ में आया क्या बोले? यस मैम. या फिर एक सिंपल एक फुटबॉल को दस लोग किक, दस लोग तो नहीं किक कर पाएंगे, फुटबॉल बहुत छोटा है, लेकिन एक चार लोग तो ट्राई कर ही सकते हैं एक साथ किक करने के लिए. तो चारों का फोर्स सम अप होके, ठीक है, एक रिजल्टेंट बनाएगा और उस रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट बताएगा कि किस मैग्नीट्यूड से वो मूव करेगा वो फुटबॉल, और उसका जो एंगल है वो बताएगा कि किस एंगल में मेरा फुटबॉल जाएगा, चार लोगों का, ठीक है, तो वो हो गया रिजल्टेंट फोर्स. इसी तरह से जब हम लोग फ्लूइड में कोई प्लेन सरफेस डालते हैं तो फ्लूइड में जो भी प्लेन सरफेस हमने मर्ज किए उसके अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग थ्रस्ट प्रेशर लग रहा है एंड वो उसका जो डायरेक्शन है ऑल डायरेक्शन आर नॉर्मल. सारा सारा नॉर्मल तो सारा पैरेलल ही होगा, सारा पैरेलल फोर्स को रिड्यूस करेंगे एक सिंगल फोर्स पे एंड दैट इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में रिजल्टेंट थ्रस्ट आज ही करने